सब्सक्राइब कीजिए बॉम्ब टेक सिविल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड हर जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बॉम्ब टेक सिविल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटीआई और डिप्लोमा के लिए जो बहुत बड़ा वैकेंसी निकला वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू कंपनी में, उसके बारे में। इसी रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारा बॉम्ब टेक सिविल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। सो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और IOCL ने अप्रेंटिसशिप के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें डिप्लोमा और ITI सब के लिए वैकेंसी है नॉर्थ इंडिया रीजन में, जैसे न्यू दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, UP, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब स्टेट पर उसका वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, हर स्टेट पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो ITI वाला है उसके लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ऐसा जो डिग्री है उनके लिए वैकेंसी है। और ये जो अप्रेंटिसशिप होगा ना, ये 12 मंथ के लिए है। देख लीजिए हर एक स्टेट में कितना वैकेंसी है, ये पूरा लिखा हुआ है टोटल करके, ऐसे टोटल मिला के टोटल वैकेंसी है 523,523। अभी देख लीजिए अप्रेंटिसशिप जो निकाला उसका स्टाइपेंड कितना हो सकता है और कितना रेमुनरेशन देगा IOCL ने। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट जो देता है ऐसा ही होगा, मतलब 2,500 रुपया पर मंथ, और जो एक्स्ट्रा कॉन्वेंस और अलाउंस के लिए जो एक्स्ट्रा है वो अलग अलग से मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 2 साल का ITI और 3 साल का डिप्लोमा लगेगा टेक्नीशियन के लिए, एंड डिप्लोमा के लिए और एक क्राइटेरिया है 50% मार्क्स भी चाहिए। ये है आपका एजुकेशनल और एलिजिबिलिटी। आप लोगों को सुविधा के लिए मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जैसे आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, और आपको वेबसाइट भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने के सुविधा के लिए, ठीक है। अभी देख लीजिए और एक चीज़ यहाँ पे बताया 17, 18, 19 जो पॉइंट है उसमें क्या चीज़ बताया, जिन लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, और जिन लोगों पहले अप्रेंटिसशिप कर चुका है वो दोनों अप्लाई नहीं कर सकता है। और एक क्राइटेरिया दिया है जिसका डिप्लोमा होने के बाद 3 साल हो गया अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया वो भी नहीं कर सकता है ये अप्लाई ये फॉर्म। और एज लिमिट दिया है 24 साल, 18 से 24 साल, और गवर्नमेंट का क्राइटेरिया वाइज SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एंड ऐसा ही है। अभी सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है जो दोनों पार्ट में होगा, रिटेन और पर्सनल इंटरव्यू। रिटेन फर्स्ट जो रिटेन होगा, रिटेन में 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा 90 मिनट, और मल्टीपल चॉइस होगा, एंड उसका जो 85% मार्क्स होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगली पार्ट के लिए, और जहाँ पे इंटरव्यू है एंड उसका 50% लेगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया है ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के लिए अलग अलग। यहाँ पे और एक चीज़ दिया है जो SC ST के लिए जाने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए जो रेलवे का कॉन्सेशन होगा, रेलवे का टिकट होगा, उसका कॉन्सेशन भी मिल जाएगा। और जो वेबसाइट है, जितना फॉर्म फिलअप करने का ज़रूरत होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और ईमेल और SMS से आपके पास अलर्ट आ जाएगा कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट के बारे में। और ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना नहीं पड़ेगा, जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तब डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। और इसको लास्ट डेट है देख लीजिए 17th November, और टेंटेटिव
एग्ज़ाम का डेट भी दिया है 25 नवंबर। सो ये भी देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, माध्यमिक और टेंथ लेवल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आईटीआई और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन रहेगा तो भी उसका सर्टिफिकेट, और एटेस्टेड कॉपी ऑफ पास सर्टिफिकेट, सिग्नेचर इन ब्लैक एंड रिसेंट काला साइज फोटोग्राफ, काला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और हम लोगों को उत्साहित कीजिए नेक्स्ट अपडेट देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।